तुम्हारा इरादा क्या है? तुम बार बार उस घर के पास क्यों भटकते रहते हो? सर, दरअसल बात यह है कि जब मैं उस घर में गया ना, तो किसी ने मेरे पे अटैक किया और वो मुझे फॉलो भी करता है। आप उसका पता लगाने की बजाय आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। सुनो मिस्टर, मुझे किससे सवाल करना है और किससे नहीं, ये मुझे अच्छे से पता है। उस घर वाली लड़की का मर्डर हुआ था, उस लड़की से तुम्हारा क्या संबंध है? सर, मैं आपको कितनी बार बताऊं, मैं उस लड़की को जानता भी नहीं हूं। एक बात कान में डाल लो, वो लड़की बेंगलोर से आई थी, अपने फ्रेंड के साथ आई थी। वो लड़की बेरहमी से मारी गई और उसकी दोस्त मिसिंग है। हम अभी भी उसकी दोस्त को तलाश रहे हैं। अगर हमें उसकी दोस्त का पता चल जाए तो ये केस सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अब मेरा शक तुम पर ज्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि तुम उसके घर के पास बार बार दिख रहे हो। बिलीव मी सर, जब मैं उसे नहीं जानता तो उसकी फ्रेंड को कैसे जानूंगा? मैंने तो उसका चेहरा भी नहीं देखा। ओ, ऐसा क्या? रुको, मैं तुम्हें दिखाता हूं। इनमें से एक का मर्डर हुआ और एक अभी भी लापता है। लो देख लो। हो, 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 हो। पुलिस, तुम पुलिस को देख के इतना ज्यादा डर क्यों जाती हो? वो अपनी फ्रेंड के साथ आ रही थी, वो तो मर गई, उसकी फ्रेंड मिसिंग है। शायद वो मर गई होगी और उसकी फ्रेंड पुलिस से डर के भाग गई होगी। अच्छा ये बताओ, तुम पुलिस और पुलिस स्टेशन जाने से इतना ज्यादा डरती क्यों हो? जीविता, तुमने ऐसा क्यों किया? चित्रा तुम्हारी फ्रेंड है, तुमने मुझसे छुपाया क्यों? अगर मैं तुम्हें बताती तो तुम शॉक्ड हो जाते चंदन। मैं ऑलरेडी शॉक में हूं। मुझे सच बताओ, तुम मेरा साथ देने के लिए आई हो या फिर मुझे पागल बनाने के लिए? ये सच है कि मैं और चित्रा फ्रेंड्स थे, बहुत क्लोज फ्रेंड्स। मेरी माँ की मौत के बाद चित्रा ही मेरे लिए सब कुछ थी। हम दोनों बहुत ज्यादा क्लोज थे, इसलिए हम दोनों पीजी में रहने लगे और जब भी मौका मिलता था हम खूब मस्ती करते थे। आपकी पेंटिंग्स की बहुत बड़ी फैन थी। वो मुझे आपकी आर्ट एग्जीबिशन में अक्सर लेकर जाया करती थी। छुट्टियों में हम दोनों यहाँ आया करते थे और एक साथ नेचर को एंजॉय किया करते थे। वो भी एक अनाथ थी, इसलिए हम दोनों की बहुत अच्छे से बनती थी। एक दिन हम दोनों घूमने के लिए बहुत दूर तक चले गए और वापस आते आते बहुत अंधेरा हो गया। यार, तूने आज मुझे कितना पैदल चला दिया। अब देखना, आज रात भर मेरे पैर दर्द करने वाले हैं। ए, मेरी बात सुन। बैंगलोर में हम वॉकिंग के लिए पार्क में जाते थे,
लेकिन यहाँ पर तो चारों तरफ पार्क ही पार्क है, इसीलिए चलते रहो, सेहत अच्छी रहेगी। अच्छा यार, यहाँ से घर कितना दूर होगा? यहाँ से तो लगभग 2 किलोमीटर दूर होगा। हम एक काम करते हैं, अगर हमें कोई गाड़ी मिल गई तो उससे लिफ्ट मांग लेंगे। लिफ्ट देगा क्या कोई? जेंट्स होगा तो पक्का रोकेगा, लेकिन अगर लेडीज हुई तो पक्का नहीं रोकेगी। तो ये समझो कि लेडीज ही हमारी दुश्मन है। देखो देखो, सामने एक गाड़ी आ रही है। हेलो, स्टॉप 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 स्टॉप। अरे, इस गाड़ी में ब्रेक नहीं है क्या? इसकी तो, अरे क्या कर रही है? चलना मत कर ऐसा। देखा ना, उसने गाड़ी भी नहीं रोकी। इट्स ओके। देख, ये आइडिया वर्कआउट नहीं कर रहा है और अंधेरा भी हो रहा है, हम पैदल ही चलते हैं। जल्दी क्यों हो रही है? तूने ही तो मुझसे कहा था ये जगह बहुत खतरनाक है, यहाँ रात 9 बजे के बाद कोई नहीं निकलता। अरे, ये तो मेरा एक प्लस पॉइंट था। देखो, अगर कोई बुरा आदमी आया ना तो हम ऐसे बाल करेंगे और रा रा करेंगे और डर के मारे उसका काम तमाम हो जाएगा। समझ गई ना? चलो चलो चलो, ठीक है ठीक है। चल। ए, वो कार आ रही है ना? लगता है दो गाड़ियां हैं। हाँ। अरे, वो लोग वहाँ क्यों रुक गए हैं? चलकर देखते हैं ना। एक आदमी स्कूटी में भी आ रहा है। निकालो उसे, निकालो निकालो, जल्दी निकालो, जल्दी करो। ए, वो लोग क्या कर रहे हैं? चलो ना देखते हैं। हाँ हाँ, जल्दी करो, जल्दी 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 कर, जल्दी कर, आराम से, अरे आराम से, चलो चलो चलो, देखते हैं। अरे जल्दी कर। हे, वो लोग उसके साथ क्या कर रहे हैं? चुप रहो। हाँ, बिठा बिठा बिठा, आराम से आराम से, गाड़ी स्टार्ट कर, आराम से बिठा, आराम से, चल 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 चल, जल्दी जल्दी मार 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 मार। कहाँ भाग के जाएगी? अरे, ए, कहाँ भाग रही है? भाई, हमारा काम हो गया, लेकिन एक छोटी सी गलती हो गई। दो लड़कियों ने हमें वो काम करते हुए देख लिया भाई। हम लोग उनका पीछा कर रहे हैं भाई, थोड़ी देर में मिल ही जाएंगे। एक बार मिल गई ना तो जान से मार देंगे।